high grade fourth. In previous class, I had explained you present tense, and we started simple present tense, and I also explained rules of do and does. Today, I'm going to start exercise C. Fill in the blanks using correct form of verbs given in the below. आपको ये जो verb दिए गए हैं उसका correct form use करके sentences complete करने हैं. Number one, Mr. and Mrs. Mitra wake up at 6 o'clock on weekday mornings. Mr. and Mrs. Mitra जो है वो weekdays में, weekdays मतलब Monday to Friday, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं. Number two, Mrs. Mitra reads newspaper and Mr. Mitra does yoga. Mrs. Mitra जो है वो newspaper पढ़ते हैं और Mr. Mitra जो है वो yoga करते हैं. Number three, they have their breakfast at 8 o'clock. वो लोग अपना breakfast 8 बजे करते हैं. Then they go to work. वो लोग अपना breakfast सुबह 8 बजे खाते हैं. Number four, then they go to work. फिर वो लोग काम करने जाते हैं. Number five, they come back home from वो लोग घर कितने बजे आते हैं? 6 o'clock. They come back home by 6 o'clock. वो लोग 6 बजे घर आते हैं. Number six, Mrs. Mitra usually jog in the evening. Mrs. Mitra जो है वो jogging में शाम को जाते हैं. Number seven, Mr. Mitra like to watch tennis. Mr. Mitra को टेनिस देखना अच्छा लगता है. एक्सरसाइज डी, री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली. ये जो सेंटेंसेस है उस वो गलत तरह से हुए है, ये सेंटेंसेस में मिस्टेक्स है. आपको ये सेंटेंस को सही करके लिखना है. नंबर वन, आई डज नॉट प्ले क्रिकेट. आई के साथ डज नहीं आता है, डू आता है. सो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. नंबर टू, दिस कार बिलोंग नहीं बिलोंग्स. इट के साथ डज फॉर्म आता है. सो दिस कार बिलोंग्स टू मी. नंबर थ्री, रोहन एंड आकृति लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा, क्योंकि रोहन एंड आकृति प्लूरल है, मतलब दे के साथ डू फॉर्म आता है. सो रोहन एंड आकृति लाइक टू ईट नूडल्स. रोहन और आकृति को नूडल्स खाना अच्छा लगता है. नंबर फोर, मिस दास वर्क इन दिस ऑफिस. वर्क गलत है, बिकॉज मिस दास मतलब लेडी, शी के साथ डस फॉर्म आता है. सो मिस दास वर्क्स इन दिस ऑफिस. नंबर फाइव, मिस्टर आनंद गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग. मिस्टर आनंद हर शाम वॉकिंग के लिए जाते हैं. तो गो गलत है, क्योंकि मिस्टर आनंद मतलब ही के साथ डस फॉर्म आता है. सो गो का गोज हो जाएगा. मिस्टर आनंद गोज फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग. नंबर सिक्स, द चिल्ड्रन गोज टू प्ले टू स्लीप बाय 9 o'clock. गोज गलत है, क्योंकि द चिल्ड्रन मतलब दे के साथ डू फॉर्म आता है. सो द चिल्ड्रन गो टू स्लीप बाय 9 o'clock, राइट. और ये थी एक्सरसाइज सी एंड डी, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड थी. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है कि ये एक्शन अभी भी चल रही है. हम प्रेजेंट की बात करें, अभी की बात करें, और
अभी भी चल रही है दिखाने के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इसी के साथ वन मोर थिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो हम इजेमर फॉर्म यूज करते हैं। सो फॉर इजेमर फॉर्म व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम, यू आर, ही, शी, इट, इज, दे आर, और उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बट किसको लगाते हैं? मेन वर्ब रूट को, जो मेन वर्ब फॉर्म होता है उसको हम क्या लगाते हैं? आईएनजी, राइट। नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन, दैट इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम जब भी बात कर रहे हैं, हम जब भी उस सेंटेंस बोल रहे हैं, तब वो एक्शन अभी भी चल रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ। अमित इज स्विमिंग, अमित अभी भी स्विमिंग कर रहा है। मीता एंड रीटा आर वॉचिंग टेलीविजन, मीता और रीटा टेलीविजन देख रहे हैं। द वर्ड्स एम इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब्स, दे कम्बाइन विद आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ यही मैंने जैसे बताया कि हम एम आर और जो इज है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, उसी के साथ हम क्या करते हैं, हम हमारा जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। नाउ एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। पहले हम इसका आईएनजी फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कैसे यूज करना है। जैसे एंजॉय, एंजॉयिंग, कोम, कोम्बिंग, गेट, गेटिंग, एग्जाम, एग्जामिंग, वर्क, वर्किंग, हाइड, हाइडिंग, राइट, राइटिंग, और ये आईएनजी फॉर्म हो गया। अब हमें देखना है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ आर, दे आर, राइट। चारों, चारों इज अ गर्ल, उसके साथ शी, शी के साथ इज। वी मस्ट रश नाउ एज इट, इट के साथ इज। द डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स ही और शी, उसके साथ इज। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल, प्लूरल के मतलब दे के साथ आर। अ कैट मतलब इट, इट के साथ इज। द नॉटी चाइल्ड, चाइल्ड इज सिंगुलर मतलब ही या शी, तो उसके साथ इज। सो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गए, आईएनजी फॉर्म मिल गए। नाउ विल अंडरस्टैंड द सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर गोइंग themselves on the swings in the park, enjoying, the children are enjoying themselves on the swing in the park, बच्चे झूला झूलने में बहुत ज्यादा enjoy कर रहे थे। चारू is combing her hair, चारू अपने बाल बना रही थी, बाल को comb कर रही थी, कर रही है। We must rush now as it is getting late. अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें लेट हो रहा है। The doctor is examining the patients. Doctor patients को examine कर रहा है। All the students are working hard for exams. सारे बच्चे exams के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। A cat is hiding behind the curtain. Cat जो है वो curtain के पीछे छुप रही है। The naughty child is writing on the wall. ये शरारती बच्चा दीवार पे लिख रहा है। Now exercise F. Rewrite the sentences changing the verb in the simple present tense to the present continuous tense. आपको क्या करना है, आपको ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है
और आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है. नंबर वन, सोनल फीड्स हर पेट पैरट. सोनल अपने पेट पैरट को खाना खिला रही है. सो फीड्स का हो जाएगा इज फीडिंग. इज इसलिए क्योंकि सोनल गर्ल है, शी के साथ इज आता है और फीड्स का आईएनजी फॉर्म फीडिंग. सोनल इज फीडिंग हर पेट पैरट. द टीचर स्माइल्स एट रोहन. स्माइल का स्माइलिंग, टीचर इज ही और शी, तो उसके साथ इज आता है. तो टीचर इज स्माइलिंग स्माइलिंग एट रोहन. नंबर थ्री, मिस्टर मेनन चॉप्स वेजिटेबल. चॉप्स का चॉपिंग हो जाएगा और मिस्टर मेनन मतलब ही, तो ही के साथ इज. मिस्टर मेनन इज चॉपिंग वेजिटेबल्स. नंबर फोर, राहुल हेल्प्स अनु विथ हर होमवर्क. सो हेल्प्स का हेल्पिंग हो जाएगा और राहुल मतलब ही के साथ इज. राहुल इज हेल्पिंग अनु विथ हर होमवर्क. नंबर फाइव, सीमा वाटर्स द प्लांट्स इन हर गार्डन. वाटर्स का वाटरिंग आ जाएगा एंड सीमा इज शी के साथ इज. शी इज सीमा इज वाटरिंग द प्लांट्स इन हर गार्डन. नंबर सिक्स, आई गो टू टेम्पल नियर माई हाउस. सो गो का गोइंग हो जाएगा एंड आई के साथ हमेशा आई एम लगता है. सो आई एम गोइंग टू द टेम्पल नियर माई हाउस. नंबर सेवन, लवीना वॉक्स वेरी फास्ट. लवीना वॉक्स वेरी फास्ट, तो वॉक्स का वॉकिंग हो जाएगा. लवीना इज शी के साथ इज. लवीना इज वॉकिंग वेरी फास्ट. नंबर एट, जैविन प्लेस फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स. जैविन बॉय मतलब ही के साथ इज लगता है और प्लेस का प्लेइंग हो जाएगा. जैविन इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स. सो योर टुडेज होमवर्क इज यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज C, D, E, and F in your textbook. Revise all the rules for simple present tense as well as present continuous tense. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.